अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्स ऑस्मोसिस और इंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस मीन्स जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जब एंट्री करता है किसी भी एक गाढ़े सॉल्यूशन है, मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड की तरफ एंट्री मारता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब अपोजिट हो तो इस तरह का एक्स ऑस्मोसिस। इसको हम एग्जांपल से बेटर समझते हैं। एग्जांपल हम ले लें, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पोटैटो ऑस्मोस्कोप कहते हैं, पोटैटो ऑस्मोस्कोप। इसमें हम पोटैटो ले लेंगे और इसको एक वेसल में ले लेंगे, वेसल या तो वाटर ले लेंगे या ऐसे ही, इसे हम कंट्रोल लिए, और इस पोटैटो में सपोज ये एक पोटैटो है, इसका ऊपरी सरफेस जो हम रखेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा इतना लंबा और इतना गड्ढा हम अंदर में एक ड्रिल मार देंगे, और ड्रिल करके हम अंदर में एक शुगर का सॉल्यूशन डाल देंगे, चीनी, या तो चाशनी डाल दिए रसगुल्ले का पानी, या नहीं तो हमने चीनी का सॉल्यूशन डाल दिया, या चीनी ही डाल दिया, और जिस लेवल पे वो शुगर रखा है इस लेवल पे हमने एक टिन को सेटअप कर दिया, और सराउंडिंग में हमने वाटर, इसको पूरा सेटअप है हमने एक वाटर में रख दिया। हर कंडीशन में सेम वही हुआ, लेकिन हम ये जो कंडीशन है ये इसको ऐसे छोड़ देंगे, इस कंडीशन को हम एक घंटे छोड़ दें, एक घंटे बाद देखेंगे ये मूवमेंट किधर होगा। तो हम देखेंगे ये जो वाटर है जो ब्लू कलर से शो किया गया है, इस वाटर का जो मूवमेंट होगा वो एंट्री करेगा अंदर में, और ये जो शुगर सॉल्यूशन के शुगर जो है या शुगर सॉल्यूशन इसके जो टॉप पॉइंट पे जो पिन लगा था ये पिन डिप कर जाएगा, अंदर चले जाएगा, डूब जाएगा। क्यों ये डूब गया? लोग सोचेंगे पानी एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन नहीं, पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, इट इज ओनली ड्यू टू दी एंड ऑस्मोसिस, ये एंट्री कर गया, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम चीनी में सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कम है तो ये चले जाएगा और ये डूब जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह के सेटअप दे देगा और कहेगा एक बॉइल्ड आलू है और एक कच्चा आलू है, अगर ये जो कंडीशन है ये तभी फॉलो होगा जब ये रॉ आलू होगा, मार्केट से लाया हुआ आलू है तभी होगा। बाय चांस अगर इसी जगह एक बॉइल्ड आलू रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन फॉलो, ये सिस्टम या ये पैटर्न फॉलो ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके जो सेल हैं वो सेल डेड कर जाएंगे, हाई टेम्परेचर और हाई कंडीशन में वो डेथ कर जाएंगे, तो सेल जिंदा नहीं रहेगा, और सेल जिंदा नहीं रहेगा तो वो परमिबिलिटी शो नहीं करेगा। ये रॉ आलू है, अगर इस शुगर की जगह हम सॉल्ट कंसंट्रेशन भी डालते हैं या सॉल्ट भी डालते हैं तो सेम वही रूल फॉलो करेगा। तो ये हमारा हो गया पोटैटो ऑस्मोस्कोप का एक्सपेरिमेंट या उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको समझने के पहले हम यहां एक एग्जांपल सेटअप या डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसमें हम किसी भी एक सेल को एक वाटर में डिप कर देते हैं, तो हम देखेंगे हाफ एन आवर, एक घंटे बाद या दो घंटे बाद ये स्वेल अप कर जाएगा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने, आप गौर करेंगे किशमिश जो होगा, किशमिश को अगर पानी में रख देंगे तो ये इसका बढ़िया एग्जांपल होगा, किशमिश जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, उसके जो रिंकल्स है वो कम से कम हो जाएंगे। तो ये जो केस है ये तभी होगा, ये इनलार्जमेंट होगा, तो ये तब होगा जब वाटर बाहर में सॉल्यूशन ज्यादा है और वाटर उस किशमिश के अंदर कम है। तो एंट्री कहां से होगा? बाहर में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उससे वो अंदर में होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक।
और हाइपोटोनिक में ही इंडोस्मोसिस होता है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा ये इंडो, इंडो जो है ये फोर्थ नंबर पे आता है, ओ ओ जो होता है फोर्थ नंबर पे आएगा, और हाइपो में जो ओ आएगा ये भी फोर्थ नंबर पे आएगा। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप ये कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक जब भी होगा एंडोस्मोसिस में ही होगा। ये आपको एक बढ़िया ट्रिक है जो आप याद करने में अच्छा रहेगा, हाइपोटोनिक एंडोस्मोसिस। ये जो केस हुआ जिससे इनलार्जमेंट हुआ सेल का, सेल छोटे से बड़ा हो गया, ये बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, और इसमें जो फिनोमिना अप्लाई हो रहा है ये हो गया एंडोस्मोसिस। ये सेकेंड सेटअप, सेकेंड सेटअप में हम देखते हैं कि सेम सेल अगर किसी कंडीशन में उसमें नो चेंज ऑब्जर्व होगा, यानी कुछ भी चेंज नहीं आया, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर के सॉल्यूशन के बराबर दोनों का कंसंट्रेशन है। मींस मूवमेंट तो होगा लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा। इसको हम बढ़िया एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक क्लास में एक साइड दूसरे बच्चे हैं, कुछ एक ड्रेस के बच्चे हैं और दूसरे साइड दूसरे बच्चे हैं, लेकिन 50 नंबर इधर है 50 नंबर इधर है, दोनों के 50-50 है। अगर इसमें से 20 बच्चे निकल के इसमें चले गए तो नंबर ऑफ हम तो देख लेंगे कि 70% आया, लेकिन अगर इधर से भी 20 बच्चे इधर आ गए, अदर दूसरे कोई भी आ गए, तो मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन नेट मूवमेंट जीरो हो रहा है। यानी अगर उधर से भी 20 बच्चे इधर आ गए तो लेते देते सेम अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा, यानी मूवमेंट बाहर से भी अंदर करेगा और अंदर से भी बाहर करेगा लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसे देखते हैं, सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स सेम रिजल्टिंग इन नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यही पॉइंट है नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट मीन्स मूवमेंट होगा लेकिन पूरा मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा, यानी ओवरऑल मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ये है जिसमें एक सेल को एक सॉल्यूशन में डाल दिया गया और हमने ऑब्जर्व किया कि सेल श्रिंक कर गया, हाफ एन आवर या दो घंटे बाद हम देखते हैं वो श्रिंक कर जाता है। अब हमको ये समझ नहीं आता ये क्यों हुआ, तो इसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर में आ गया। उसको हम समझे, ये बाहर आ गया और ये रिजल्ट हो जाएगा श्रिंकेज में, और इस तरह से सेल में श्रिंकेज ऑब्जर्व होगी। तो ये वाला जो केस होगा ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। मींस सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर्ड टू द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। थैंक यू।